हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके 6 वीडियोस भी आप देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बताया एनिमल्स ऑन लैंड, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स इन वाटर, एनिमल्स इन बोथ लैंड एंड वाटर, एनिमल्स दैट फ्लाई एंड स्पाइडर्स वेब, जो हम आज रीड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी का जाला। स्पाइडर्स वेब में क्या था, आपने आपके घरों में अभी सफाई चल रही होगी सबके घरों में, दिवाली की सफाई, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे जब भी मम्मी सफाई करती हैं तो वहाँ पे मकड़ी का जाला आपने देखा ही होगा किसी न किसी कोने में, जिसको बोलते हैं वेब, WEB, वेब यानी जाला। अ स्पाइडर स्पिन्स अ वेब विथ अ टाइप ऑफ सिल्क विच इज़ फॉर्म्ड इन इट्स बॉडी। यानी कि जो स्पाइडर होती हैं, जिसको मकड़ी बोलते हैं, वो एक ऐसे टाइप का सिल्क जैसा वेब को बुनती हैं जो उसकी बॉडी से निकलता है। दिस सिल्क कम्स आउट ऑन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड बट सॉलिडिफाइज वंस इट कम्स टू कॉन्टेक्ट विद द, आई थिंक ये हम पढ़ चुके थे इन लास्ट वीडियो, बट इस वीडियो में आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें ये था कि जो मकड़ी के जाले होते हैं वो स्पाइडर अपनी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड फॉर्म से बनाती हैं, और वो लिक्विड जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, हवा के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो सॉलिड हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो जो लिक्विड होता है वो एक सिल्क की फॉर्म में आ जाता है। अब है नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि आइए देखते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट आर मोर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो डे से ज़्यादा नाइट में एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। दे कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, जो अंधेरे में और भी ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। देखिए कौन है वो, ड्यूरिंग द डे टाइम दे रेस्ट इन देयर शेल्टर्स एंड कम आउट ओनली व्हेन इट इज़ डार्क। जो पूरे दिन अपने घरों में ऐश करते हैं, मज़े करते हैं, सोते हैं, आराम फरमाते हैं, और जैसे ही अंधेरा पड़ता है, जैसे ही नाइट होती है, तो वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। मैनी नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल्स यानी उल्लू, लेमर्स एंड कैट्स हैव स्पेशल आईज दैट सी वेल इन द डार्क। यानी कि नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्पेशल आईज होती हैं, जो उनको जिसकी वजह से वो नाइट में भी देख पाते हैं। अर्थवॉर्म्स लाइव अंडर द ग्राउंड, अर्थवॉर्म भी इन्हीं का हिस्सा है, नॉक्टर्नल एनिमल्स है वो भी, और वो कहाँ होता है, ग्राउंड के नीचे। दे कम टू द सरफेस एट नाइट टू ईट, और वो नाइट में सरफेस पे आते हैं यानी ज़मीन पे, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। अब ये देखिए नॉक्टर्नल एनिमल्स जिनको नाइट में ज़्यादा दिखता है, अच्छा दिखता है, वो है आउल, कैट, लेमर एंड अर्थवॉर्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे लाइफ स्किल्स में क्या है। We should not be cruel to animals and birds. Visit a wild animal sanctuary and collect the information on the animal habits. यानी हमें कभी भी एनिमल के लिए क्रूअल नहीं होना चाहिए, हमेशा उनसे काइंड रहना चाहिए, और वाइल्ड एनिमल से दूर रहना चाहिए, वाइल्ड एनिमल की सेंचुरी में जाना चाहिए और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके लाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो जो था इस चैप्टर का 7 पार्ट। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन 6, 5 तक हम कर चुके थे पहले। व्हाट मटेरियल्स डू द बर्ड्स यूज टू मेक अ नेस्ट, यानी कौन कौन से मटेरियल्स को बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने में यूज़ करते हैं। तो आंसर है डेड ट्विग्स, ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रास, ETC। ओके, आंसर शॉर्ट है, अच्छा सा है, लर्न भी हो जाएगा, तो आप लिखते लिखते लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।